हमारा एक स्टेप हो गया कंप्लीट ऐसे। ये ले ये मिठियों का खाना रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेम ऑफ है तो बर्तन रखा है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे पानी 1.5 ग्लास और अब इसमें हम फीड डालेंगे। एक फीड वो जो मैंने खुद बनवाई है, जो कि आपने देखी भी है, उसके ये वाले चम्मच 2 भर के, ये वाले चम्मच, ठीक है, ये जो सालन वाले होते हैं, और ये वाली फीड, ये केटी की फीड होती है बेबी पैरट्स की स्पेशल, ये हाफ बीच में ऐड करेंगे। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ये सारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, कोई लम्स कुछ भी ना रहे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई, अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। ये लेंगे, अब इसे बॉईल आने देंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। और 2 चम्मच आटा जो घर में यूज़ होता है कुकिंग के लिए, रोटियों के लिए, उसे भी मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें ना हमने सबसे पहले ऐड करके मिक्स करनी, फिर फ्लेम ऑन करना। अगर हम बाद में ऐड करेंगे, जैसे कि पानी को बॉईल आ गया और फिर ऐड करें, तो इस तरह भी सारे ना लम्स बन जाते हैं, लम्स ख़त्म नहीं होते। तो इसे इसलिए पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर अच्छी तरह कुक करेंगे, क्योंकि दाल वगैरह जो भी है वो अच्छी तरह पक जाए, कच्ची ना रहे कुछ भी। और अभी बॉईल आने तक पकाएंगे, और फिर बॉईल आ भी जाए तब भी 4-5 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह। देखिए, अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे, इसे छोड़ देंगे, तो आपको नज़र आ रहा है कितने बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं, और पानी ऊपर रह जाएगा तो जितनी दाल वगैरह ना सारी नीचे लग जाएगी और सारा जल जाएगा। इसलिए इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे, और ये देखें कितना ठीक सा अभी सा होना शुरू हो गया। अच्छा, आटा डालने का मकसद ये था कि ये चीज़ हमारे है ना मटेरियल जो फूड है वो ठीक हो जाए। अगर आटा आप नहीं डालते तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये होगा कि जो फूड है ना बेबी पैड्स का वो बहुत ही पतला रहेगा। और जो है एग्जोटिक की फीड है, केटी की फीड है बेबी पैड्स की, उस ये डालने का मकसद ये है कि कोई भी न्यूट्रिशंस वगैरह जो रह जाते हैं उनको नहीं मिल पा रहे मेरी फीड की वजह से, तो वो भी थोड़ी ना बहुत कसर बीच में जाती रहे। दालों में आपको पता है कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन फिर भी कोई कसर ना रह जाए। तो मैं इस चीज़ के लिए केटी ऐड करती हूँ और साथ आटा, इसलिए कि ये थिक हो जाए। अब ये देखिए, अभी से ये थिक होना शुरू हो गई है, अभी प्रॉपर बॉयल नहीं चढ़ा। तो ये से पकाते हैं, ये देखिए अभी ये कितने लम्स है, ये जैसे बॉयल आएंगे ना 4 से 5, तब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए अभी एक बॉईल ही चढ़े तो थिक होना काफी शुरू हो गई। ये भी 2 चम्मच आटा ऐड किया। ये अगर ज्यादा थिक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, जब हम बेबी को फीड करवाएंगे तो हम इसमें पानी ऐड करके इसे थोड़ा लिक्विडी कर सकते हैं, लेकिन कोई कच्चापन ना रहे ये सबसे ज़रूरी है, इसलिए इसे अच्छी तरह पकाएंगे। ये हमारा एक स्टेप हो गया कंप्लीट, ये वेल कुक हो गई है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर, इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसा तना के लिक्विड अच्छा सा कोई बीच में दाना ना रहे उस तरह हो जाए, तब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें आपको दाना नज़र आ रहा है, इस दाने को ख़त्म कर देंगे ब्लेंड करके। ये देखिए अभी के इसको कितना मुसलसल हिलाते रहे, लेकिन फिर भी
ये लगती रही है नीचे, ये देखे हिलाने मुसलसल हिलाने का ये हाल था, छोड़ देते तो सब कुछ तबाही हो जाना था। चलिए जी बहुत एहतियात से इसे ब्लेंड करेंगे क्योंकि बहुत शदीद गर्म है, आप देखें कितना धुआं सा निकल रहा है। तो अपने हाथ वगैरह और बहुत एहतियात से खोल के यानी कि चला के बंद करके फिर धुआं निकाल के फिर अगली बार चलाना है, 4 से 5 बार चलाना है तो ब्लेंड हो जाएगा अच्छी तरह। मुसलसल नहीं चलाते ना वरना ये खदशा होता फटेगा, देखे इतना गर्म है कि सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह इसकी भाप निकाल निकाल के इसे चलाना है। चलिए जी हमारा हो गया ब्लेंड, इसे फिर से ऐड करेंगे बर्तन में और देखें अब कोई लम्स नहीं है, और इसे फिर से ज़रा पकाएंगे बॉईल वगैरह आ जाए। ये वैसे ज़रूरत तो नहीं लगे फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए लाजमी करती हूँ, कोई कसर ना रह जाए कोई कच्चापन किसी भी किस्म की। फ्लेम ऑन करते हैं, जग को भी क्लीन कर लेंगे, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। और ये देखें पकना शुरू हो गया, इसे फिर से हिलाते जाएंगे, एक बस बॉईल ही आ जाए उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। और आप देखें अब कोई लम्स नहीं है, कोई भी किसी किस्म का दाना नहीं है। ये आपको करीब से दिखाऊं, ये देखें तो ये हमारी रेडी हो गई है, बस लाते जाना फिर से ताकि नीचे ना लगे। ऐसे ऐसे ये फीड रेडी हो गया, बस ठंडा होने देंगे और इस तरह वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे कि ऊपर कोई लम्स ना रहे, जैसे मलाई टाइप होता उसी तरह। ये फीड मुकम्मल ठंडी हो गई, अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे, जब यूज़ करनी होगी तो कप में डाल के तो यूज़ कर लेंगे। चाय मिठियों के हिसाब से मिलाइए बनाइए तो ये तकरीबन एक दिन चल जाएगी पूरा, तो यानी कि 4-4 घंटों के वक्फे के हिसाब से या 5-5 घंटों के वक्फे के हिसाब से। तो फीड करवाने की बारी आ चुकी है, अब इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा हो गया था, बस गर्म करेंगे इतना गर्म करेंगे कि हमारी स्किन पर टच हो सके, तो उसको गर्म कर। फीड गर्म हो गई है और हमने इस तरह पैच टेस्ट लेना है, अगर हमें बर्न हो यानी कि हमें चले स्किन को बर्न हो तो हम इसे ठंडा करके खिलाएंगे, अगर हमें ऐसा कुछ इशू ना नॉर्मल लगे तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप बिल्कुल ठीक है तो हम उनको खिलाने के लिए लेके चलते हैं। ये ले जी हमारे मिठू बाहर आ गए हैं, अब इनको फीड देना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी गोद में एक कपड़ा रख लिया जिससे ये होगा कि अगर मैं इनको उठाऊंगी रखूंगी तो मेरे खुद के कपड़े गंदे नहीं होंगे, जाहिर बात है ये वॉशरूम वगैरह कर देते हैं यानी कि पोटी वगैरह वॉशरूम कह रही हूँ, तो मेरे कपड़े नहीं गंदे होंगे सिर्फ कपड़ा ही गंदा होगा, तो मैं ये साथ लाजमी रखती हूँ। तो इनको फीड देने की थोड़ी बहुत एहतियात होती है कि इनके गले सांस की नाली का ख्याल रखना, तो एक तरफ सांस की नाली होती है एक तरफ खुराक की नाली होती है, तो खुराक की नाली वाली साइड पे सिरिंज रखनी होती है और पाइप डाल के तो फिर हम पूरा उनको फीड देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फीड के अंदर यानी कि सिरिंज के अंदर ज़रा सा भी एयर पॉकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़रा सा भी हवा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनका मसला होता है यानी कि उनको सांस लेने में इशू होता है या फिर पेट में जाके ज़ाहिर बात है खुराक की जगह थोड़ी बहुत हवा वगैरह, तो इनको फिर इस तरह इशू होगा। एहतियात कीजिए कि इस तरह बिल्कुल ना हो। तो इनकी फीड के मुताबिक यानी कि इनकी कम से कम जो फीड जाती है ना स्टार्ट होती है एक सिरिंज से, फिर 1.5 पे आती है, फिर 2 पे आती है, फिर 2.5-3, लेकिन 2.5 पे आके ना मेरा जो एक्सपीरियंस है 2.5 पे आके फिर वापस जाना शुरू है 2.5 से, फिर से आती 2 पे। और कैसे पता चलता है ये कि इनकी फीड कम होना शुरू हो गई, ये वॉमिटिंग करना स्टार्ट हो जाते क्योंकि खाना खिलाया उन्होंने फ़ौरन वॉमिटिंग कर दी, तो 2 पे आएगी फिर 1.5 पे आएगी फिर 1 पे आएगी और इस तरह से इनका फीड ही ख़त्म होती जाएगी, ठीक है, यानी कि खाने पर आते जाएंगे। दूसरी बात ये अगर वॉमिटिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसमें ये भी चीज़ है कि वॉमिटिंग ये ओवर ईटिंग की वजह से करें कि ज़्यादा फीड की वजह से करें, नहीं इसमें कुछ इशू ये भी कि हाजमे की वजह से तो नहीं करें, ये चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ती है। अगर हाजमे के लिए करें तो उसके लिए 2-3 चीज़ें और हैं कि जीरे का पानी थोड़ा करके लाइट सा
तो 2 कतरे के करीब या 1 कतरे के करीब फीड में मिक्स करके इनको दे दें, जिसको सिर्फ ये प्रॉब्लम हो उसको, सबको नहीं, हाजमे के लिए। और दूसरा, थोड़ा सा ड्राई वाटर, ड्राई वाटर तासीर में ठंडा होता है, इसको इफेक्ट भी कर सकता है। सिर्फ 1 कतरा जिसको इफेक्ट है उसको उसकी फीड में डाल के तो उसको 1 सिरिंज खिला दे, इससे उनका पेट का भी ठीक हो जाता है। इससे इनको पूरा देखना पड़ता है कि इनको सर्दी तो नहीं लग रही, इनको ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, बल्ब जलाया हुआ, ज़्यादा गर्मी लग रही तो इनको ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से इनकी स्किन के ऊपर बारीक बारीक से, जैसे हमारी ड्राइनेस से बारीक बारीक स्किन उतरना शुरू होती है, इस तरह इनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, इनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। तो इससे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो इतनी स्मेल हो जाती है। और वही वो बूढ़ा खाते भी होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं होता, बड़े होकर भी इनको कुछ पता नहीं होता, बस ऐसे ही गंद डालते रहते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों को एहतियात करनी पड़ती है। और खाना खिलाने के बाद इनको हल्का हल्का प्यार भी किया करें, इस तरह ये आपके हाथ की खुशबू लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सुरेंद्र जी खाना खिला दे तो आपके हाथ की खुशबू ले, ऐसा नहीं होता। इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, खाना खिला के थोड़ा सा इनके आँख पे प्यार करें, हाथ सर पे हाथ फेरें, इनके चोंच पे थोड़ा सा फेरें, इससे आपको थोड़ा बहुत पहचानना शुरू करते हैं। लेकिन 6 महीने तक इनको फिर भी कुछ होश नहीं होती कि आप कौन है कौन नहीं है, बस ये कि बाइटिंग का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस गया, मेरा जो रिसेंट ब्रीड थी सेकंड वाली, ये थर्ड ब्रीड है, जो सेकंड ब्रीड मेरी गुजरी है, सॉरी फर्स्ट ब्रीड जो गुजरी है, वो तो फर्स्ट सेकंड डे से हमने उसको निकाल लिया था बाहर, यानी कि हैंड टेम में ले लिया था, कि हैंड फीड में ले लिया था। तो वो तो माशाल्लाह 1.5 साल की भी हो गई थी, तो अब तक बाइट करती थी, अब तो नहीं रही क्योंकि बिल्ली खा पी गई, खा गई नहीं बाइट कर गई थी, बहुत उसकी केयर की, बहुत मेडिसिन दी, ये अलग स्टोरी है। मैंने उसका कुछ शूट नहीं किया, वो बहुत दर्दनाक उसकी मौत थी, मैंने 2 हफ्ते उसकी केयर की, हर तरह की मेडिसिन दी वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी नहीं लिखी हुई थी। तो बहुत सी इनकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर इनके केज में गर्मी है तो बहुत सा हिस्सा खाली छोड़ दो, कपड़ा हटा दो, फिर कि थोड़ी देर के लिए बल्ब बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो, बस इससे इनका छोटा छोटा ख्याल रखना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो। तो जब ये चीज़ें रखें तो बहुत एहतियात से रखें, बहुत पाल के प्यार से रखें। तो और एक और ज़रूरी बात, ये जब छोटे होते हैं, यानी कि अगर आपने अपने पास इनको छोटे होते रखा हुआ है, 1 वीक के हैं, चंद दिन के हैं, या फिर ये कह लें कि 1 महीने के ही क्यों ना हो, तो इनका छोटा सा दिल होता है, इनको बिल्कुल मत डराया करें, इनके पास बिल्कुल ना शोर किया करें, इनको प्यार से रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये डर जाते हैं और आपसे भागते रहते हैं, चाहे ये बड़े क्यों ना जाए। लेकिन ये जब बड़े हो जाते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, जो मर्ज़ी कर ले, चाहे 5 साल के हो जाए, 10 साल के क्यों ना हो जाए। हमारे पास पड़ा हुआ एक 5 से 6 साल का, तो वो तो अब तक किसी की नहीं सुनता। लेकिन जब ये आपसे मानूस हो जाए, आपसे प्यार करने लग जाएँ, तो फिर इनके बहुत बहुत अलग चीज़ हो जाती है। मेरे पास 2 बंदे हैं ऐसे, परिंदे ही हैं, एक का नाम सुनो है, तो वो तो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है, अभी तक सबके लिए, मेरे लिए भी अनबिलीवेबल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ पसंद आया हो। कोई कमेंट हो तो लाजमी नीचे कीजिएगा, कोई सवाल हो तो लाजमी नीचे करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।